लाइव दे रहे हैं ग्रुप में लिख दो कि सर लाइव क्लास जा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। ग्रुप में है ना तुम्हारा वहाँ? हाँ, पटना साथ में लिख दो कि सर यूट्यूब पे लाइव क्लास कर रहे हैं, जिसको जुटना है जुट जाओ। यूट्यूब चैनल पर वो जानता है, समर्थन कर लेगा। ग्रुप में ऐड कर दो ना सर, ग्रुप में खाली मैसेज छोड़ दो ना। पटना साहब का ग्रुप है ना, तो उस पर लिखो ना कि मिथिलेश सर लाइव क्लास यूट्यूब पर जा कर रहे हैं, जिसको भी जुटना है वो जुट जाओ। सभी स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे आकर लाइव क्लास कर सकते हैं। आज मैं फर्स्ट लाइव क्लास दे रहा हूं, जो है आपका रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मैं आज आप लोग का लाइव क्लास देने जा रहा हूं। चले यार देखो, ये हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेंट के हिसाब से समझेंगे। दिस इज द एचपी, दिस इज द वीपी, दिस इज द एचपी, दिस इज द वीपी, ठीक है? एचपी और वीपी कहता है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज द वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, इसको बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, इसको सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, और इसको फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में चलेंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या क्या चीज होता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो होता है एचपी एंड वीपी क्या होता है जी? नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। यानी एचपी और वीपी जो होता है हमेशा क्या होता है? नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरा, इन दिस प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड बिटवीन, किसका? प्लेन एंड ऑब्जर्वर, प्लेन एंड ऑब्जर्वर,
जर्मन के बीच जो होता है, किसके बीच में होता है, प्लेन। ये दिस इज द प्लेन, वर्टिकल प्लेन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ ऑब्जर्वर हमेशा कहाँ रहता है, राइट साइड में रहता है। कहाँ रहता है, राइट साइड में रहता है। हमेशा ऑब्जर्वर राइट साइड में, चाहे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बनाइए, चाहे सेकंड एंगल प्रोजेक्शन बनाइए, चाहे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन करेंगे, चाहे फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन रहेंगे, ऑब्जर्वर हमेशा कहाँ पर रहेगा, राइट साइड पर। ऑब्जर्वर क्या देखता है, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। ऑब्जर्वर क्या देखता है, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। और इसी का हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन करते हैं। ये हम लोग अभी चाहे लाइन का हो, चाहे पॉइंट का हो, चाहे प्लेन का हो, जो भी प्रोजेक्शन करेंगे तो फर्स्ट एंगल में, सेकंड एंगल में, थर्ड एंगल में और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग करते बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं किसका, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, एचपी एंड यूपी नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में रहता है। और तीसरा पॉइंट क्या होता है, जल्दी बताइए, तीसरा पॉइंट फ्रंट व्यू हमेशा एक्स वाई लाइन के ऊपर बनता है, यानी रेफरेंस लाइन के ऊपर, और टॉप व्यू हमेशा एक्स वाई लाइन के नीचे, यानी रेफरेंस लाइन के नीचे। यानी फ्रंट व्यू में एबव द रेफरेंस लाइन, कहां पर, रेफरेंस लाइन के ऊपर, एंड टॉप व्यू में बिलो द, किसका, बिलो द रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन के नीचे, यानी दिस इज द रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन किसको बोलते हैं, जल्दी बताइए, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, जहां पे लाइन कॉन्टैक्ट करता है, क्या करता है, लाइन कॉन्टैक्ट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन के, यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा इतना तीन चीज याद रखना है। क्या चीज याद रखना है, तीन चीज। पहला एचपी एंड वीपी जो होता है नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, उसके बाद ऑब्जर्वर जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में होता है, और इसमें क्या होता है, फ्रंट व्यू ऊपर बनता है और टॉप व्यू नीचे बनता है, किसका, एक्स वाई लाइन के, रेफरेंस लाइन के ऊपर और नीचे। अब हम यहाँ पर जो करते हैं, देखिए कहता है कि जब भी हम प्रोजेक्शन बनाते हैं, जब भी हम प्रोजेक्शन बनाते हैं तो प्रोजेक्शन में क्या होता है, आपका प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन इसमें जो जा रहा है वीडियो उल्टा आ रहा है, तो दिस इज द कंफ्यूजन। अब ठीक जाएगा, अब आपका इसको आगे करना है, कहाँ से होगा, यहाँ से रोटेट, कहाँ से रोटेट होगा बेटा, तो फ्रंट व्यू निकालो, तो हाँ आ गए, ऊपर कर दीजिए, अब आ जाएगा, नहीं सर इसको ऊपर कर दीजिए, हाँ हाँ थोड़ा सा, हाँ हो जाएगा। ठीक है ना, जुटा हुआ कौन कौन जुटा हुआ, दो लड़का जुटा हुआ है ना जी, हाँ हेलो, नहीं अभी क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद आते हैं, ठीक। तो मेथी तो गया हुआ है ना, अच्छा ठीक ठीक, सॉरी यहां पे देखना है
कि ठीक है सेट करो सेट करो। पहला क्लास है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, उसको पीछे करो, पीछे करो उसे। ये पूरा आ रहा है, यस आ रहा पूरा। चलो तो देखो, एक चीज देखना है कि हमेशा एचपी को रोटेट करते हैं, किसको रोटेट, प्रोजेक्शन बनाने में एक बहुत ही नोटेड पॉइंट है कि एचपी को रोटेट करते हैं, हम वर्टिकल प्लेन को क्या करते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, पकड़े रहते हैं, और इसको रोटेट कितना डिग्री से करते हैं, 90 डिग्री से। कौन बाई क्लॉक वाइज, कौन बाई क्लॉक वाइज रोटेट करते हैं। अब हम लोग इसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, कैसे बनाते हैं न्यूमेरिकल, इसका प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन, ए पॉइंट आर इज रेस्ट इन एच पी एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, है ना जी, वी पी, ड्रा द प्रोजेक्शन। क्या ड्रा करना है, प्रोजेक्शन ड्रा करना। तो सबसे पहले इसके रफ कर देंगे, रफ क्या करेंगे, तो कौन है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में पढ़ो, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ए दिस इज द एचपी और दिस इज द वीपी। अब कहता जो आर पॉइंट है, आर क्या है, एक पॉइंट है जो रेस्ट कर रहा है कहां जी, एचपी में, एचपी में कर रहा है, और यहां से कितना है इन फ्रंट ऑफ वीपी, 40 एमएम। अब इसका ऑब्जर्वर कहां रहेगा, हमेशा राइट साइड रहेगा। अब यहां से सामने इस पॉइंट को देखेगा, क्या देखेगा, फ्रंट व्यू, और ऊपर से क्या देखेगा, टॉप व्यू। अब तक टॉप व्यू फ्रंट व्यू देखेगा तो कहां पर बनेगा, यहां पर, तो क्या लिखते हैं, स्मॉल आर डैश, और ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू तो यही पर बनेगा आर। अब इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे रेफरेंस लाइन एक्स और वाई, क्या करेंगे एक्स और वाई ड्रा करेंगे रेफरेंस लाइन। अब इस लाइन पर आप कहीं भी ले सकते, इससे कोई मतलब नहीं होता है। मान लेते हैं कि फ्रॉम व्यू, अब देखिए कौन साइड कहां के, वर्टिकल प्लेन हम क्या कर रहे थे, ये डीसी का क्या कहलाता है, रेफरेंस लाइन, इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन बोलते हैं। तो रेफरेंस लाइन पर यहां पर आप टॉप व्यू कहां पर बन रहा है, रेफरेंस लाइन पे, तो टॉप व्यू रेफरेंस लाइन पे बना दिए। अब ये कितना नीचे जाएगा, रोटेट करेंगे तो 40 एमएम नीचे आएगा, ये 40 एमएम आप नीचे ले जाके आप इसको डायमेंशनिंग कर दें, 40 एमएम यही आपका फाइनल प्रोजेक्शन हो गया, आया समझ में। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन इसको साफ कर देते हैं, बनाए हो, yes, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। सबसे पहले कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, कहता है पॉइंट S is placed in VP, किसमें placed है, VP में, and 50 mm above the किसका, HP, HP, draw the projection, क्या draw करेंगे, draw the projection draw करेंगे। तो सबसे पहले रफ करेंगे, क्या करेंगे, रफ बनाएंगे, किसमें ये है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, तो रफ बना लीजिए आप, यहां पर क्या लिखेंगे, एचपी, यहां पर क्या लिखेंगे, वीपी।
अब रेस्ट कर रहा है किस में, एस एच वी पी में, तो एस कहीं पर, कहां से यहां से कितना 50 एमएम ऊपर है, किस से एचपी से, ये क्या हो जाएगा रेफरेंस लाइन, क्या हो जाएगा रेफरेंस लाइन। ऑब्जर्वर यहां से देखेगा ना इधर साइड से, राइट साइड से, इसका क्या देखेगा फ्रंट व्यू देखेगा ना जी, और ऊपर से क्या देखेगा टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू तो यही पे बन जाएगा एस डैश, क्योंकि प्रोजेक्शन जब भी होगा तो मिरर में ही होगा, तो वर्टिकल प्लेन में क्या बन रहा है फ्रंट व्यू, और जैसे ऊपर से देखेंगे तो यहां पर रेफरेंस लाइन पर क्या बन जाएगा टॉप व्यू, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप ड्रा द रेफरेंस लाइन, क्या ड्रा करेंगे रेफरेंस लाइन, और कहीं पर हम पॉइंट ले लेंगे जहां पर क्या होगा रेफरेंस लाइन पर हमारा टॉप व्यू होगा एस, और यहां से ऊपर कितना है 50, तो 50 हम ऊपर चल जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा एस डैश, और इसको डायमेंशन ऑफ कर दो, क्या करो डायमेंशन कर दो, ये क्या हो जाएगा 50 एमएम, यही आपका आंसर, क्लियर। इस चैनल को शेयर करो और लाइव को शेयर करो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एडेड, देखो तो चार बजे सैटरडे और संडे लाइव क्लास होगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, सैटरडे और संडे लाइव क्लास होगा, टाइम आपका यही रहेगा 9:30 बजे, टाइम आपका 9:30 बजे हो गया बेटा, इसको साफ कर दूं। फर्स्ट लाइव क्लास है, थोड़ा सा दिक्कत हुई है उसके लिए सॉरी। अब हम लोग आएंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, ए पॉइंट क्यू इज 30 एमएम इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड 40 एमएम एबव द एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन, ड्रा द प्रोजेक्शन, ड्रा द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे, ये भी किसमें है कहता 40 एमएम एबव द एचपी, एचपी से ऊपर, और कितना 30 mm in front of VP, यानी सबसे पहले आप अपना एक रफ ड्रा कर लो HP और this is the VP, this is the point Q, पॉइंट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जब भी कोई पॉइंट हो चाहे दो लाइन का इंड हो वो हमेशा क्या होता है इंड, कोई भी लाइन का इंड को क्या लिखते हैं कैपिटल लेटर से। अब यहां से ये जो पॉइंट है कितना एमएम है 30 एमएम इन फ्रंट ऑफ वीपी, 30 एमएम इन फ्रंट ऑफ वीपी है, और यहां से आपका एबव द एचपी कितना बेटा 40 एमएम, 40 एमएम। अब देखो ऑब्जर्वर क्या करेगा, राइट साइड रहेगा, ऑब्जर्वर हमेशा कहां रहता है राइट साइड, किधर रहता है राइट साइड। अब यहां से सामने देखेगा तो ये क्या देखेगा फ्रंट व्यू, और ऊपर से क्या देखेगा टॉप,
अब देखिए यहां पर देखना है, जब इस पे लाइट अगर कोई सोर्स जलाता है लाइट, तो इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा बीम बनेगा कहां पर बनेगा, इसमें वर्टिकल प्लेन में, वो क्या होगा फ्रंट व्यू। किस लेटर से लिखते हैं, स्मॉल लेटर डैश, जिसका लेटर रोमन कैरेक्टर है उसका स्मॉल, तो यहां क्या हो जाएगा क्यू डैश, क्लियर। अब टॉप व्यू ऊपर से देखेगा ऑब्जर्वर, तो यहां पर क्या बनेगा क्यू, जिसको स्मॉल लेटर डैश से नहीं लिखते, सिर्फ किससे लिखते हैं स्मॉल लेटर से। अब देखो तो सबसे पहले क्या, पहला स्टेप ड्रा द रेफरेंस लाइन एक्स और वाई, क्या ड्रा करेंगे एक्स और वाई ड्रा करेंगे। अब हमको किसी पर पॉइंट ले लेंगे, अब यहां से देखिए फ्रंट व्यू, दिस इज द रेफरेंस लाइन, अब यहां से ऊपर कितना है 40 सेमी, तो ऊपर से चल के ऊपर यहां पर ले लीजिए, हमारा क्या हो गया क्यू डैश, ये हमारा इसको डायमेंशन, डायमेंशन करना मत भूलिएगा, ये हमारा 40 एमएम, क्लियर। अब इसको क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं वीपी को, और किसको रोटेट करते हैं एचपी को, कितना डिग्री से कॉम वाइज क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज इसको यहां यहां पर कड़ा पॉइंट रखो, यहां पर पेंसिल का पॉइंट रखो, रोटेट करो, तो ये वाला पॉइंट कहां पर आ गया, कितना नीचे आ गया 30 एमएम, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना 30, तो 30 एमएम नीचे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा क्यू, तो यहां से 30 एमएम आप नीचे चल जाओ, ये क्या हो जाएगा क्यू, और यहां पर आप इसको डायमेंशन कर दो, क्लियर, ये 30 एमएम, क्लियर। ये आपका किसका हो गया, जब दोनों एक पॉइंट जो है इन फ्रंट ऑफ वीपी और एबव द एचपी, यानी इसमें हम लोग कितना 3 क्वेश्चन बनाए, एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें, इसको साफ करो, साफ करें बेटे इसको, बना लो, बनाओ फटाफट, बनाइए, जितना हो सके आप लोग शेयर करिए मेरे लाइव क्लास का, और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। मेरा आज फर्स्ट लाइव क्लास है, हाउ मेनी स्टूडेंट, तू देखते रहो कितना स्टूडेंट ऐड हो रहा है, शेयर करो और तुम भी शेयर करो जहां जहां है, एक क्वेश्चन इसमें और रहता है, कहता है ये पॉइंट कंटेन बोथ प्लेन, ये पॉइंट टी इज, टी इज कंटेन, टी इज रेस्ट इन बोथ प्लेन, बोथ प्लेन, प्लेन का मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, ड्रा द प्रोजेक्शन, ड्रा द प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हैं, या ड्रा द प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वीपी, ये हमारा एचपी। अब बताइए वो पॉइंट दोनों प्लेन कंटेन कर रहा है, यानी दोनों प्लेन में है, तो यानी कहां पर होगा, रेफरेंस लाइन पर होगा, रेफरेंस लाइन पर होगा, तब ना दोनों को कंटेन कर रहा है। जब भी कह रहा है कि पॉइंट पी इज रेस्ट इन बोथ प्लेन, दोनों प्लेन में है, तो हमेशा दिमाग में रखना है कि वो कहां पर होगा, रेफरेंस लाइन पर होगा, और रेफरेंस लाइन पर ही क्या बनेगा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, तब फ्रंट व्यू कहां बनेगा ऊपर लिखेंगे और टॉप व्यू नीचे लिखेंगे, यानी रेफरेंस सबसे पहले ड्रा करेंगे एक्स और वाई, क्या ड्रा करेंगे एक्स और वाई। अब फ्रंट व्यू कहां, तो फ्रंट इस एक पॉइंट पे, तो फ्रंट व्यू ऊपर होगा, तो इसको फ्रंट व्यू ऊपर लिख देंगे, क्या है टी, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा टी डैश, और नीचे लिखेंगे टी, दिस इज द आंसर।
नहीं देखा ना कहां डिस्टेंस दिया हुआ है, डायमेंशन तो है नहीं, तो कहां बनेगा? रेफरेंस लाइन पर ही तो बनेगा, दोनों कहां बनेगा? रेफरेंस लाइन पर। बेटा देखो जो भी पहले क्या है, एकदम से दिमाग बैठा लो कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होता है, जब भी क्वेश्चन पकड़ा था, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ बीपी ए भाग एचपी, रेस्ट इन एचपी इन फ्रंट ऑफ बीपी, रेस्ट इन बीपी ए भाग द एचपी, या इन फ्रंट ऑफ बीपी और ए भाग द एचपी, या कंटेन बोथ प्लेन, कंटेन बोथ प्लेन 90 डिग्री पर बनता है। हां 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 हाँ वीरेंद्र पढ़ा पढ़ा आ हाँ नोटिस किया बेटा ना 24 के आ रहे हैं 24 को आ रहे हैं हाँ 24 का हम थोड़ा देर में बतिया वीरेंद्र क्लास में लिए यहां तक क्लियर। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, चलिए सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन हेडिंग बना लीजिए सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन का, यानी सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन हमारा क्या हो रहा है, दिस इज द वीपी और दिस इज द एचपी, क्लियर? ये क्या हो गया सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन। सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में कौन कौन पॉइंट हमको याद रखना है वो आपको मैं बता रहा हूं। सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग क्या क्या याद रखेंगे, तो पहला याद रखेंगे, पहला कंसीडर करेंगे कि वीपी कैसा है, नेचर कैसा, वीपी का नेचर कैसा है, एचपी का नेचर कैसा है। तो वीपी होगा ट्रांसपेरेंट और एचपी होगा नॉन ट्रांसपेरेंट, यानी जब तक कोई इधर ऑब्जेक्ट कोई रहता है तो इसको ऑब्जर्वर को हमेशा कहां रहता रहेगा, राइट साइड, तो इसको देखने के लिए अगर ये लैमिनेटेड रहेगा तो ये दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए हमको क्या रखना है, इसको ट्रांसपेरेंट रखना है, क्या रखना है ट्रांसपेरेंट, और ये हमारा क्या होगा नॉन ट्रांसपेरेंट। यानी पहला पॉइंट याद रखने का, पहला पॉइंट याद रखने का है, आओ जल्दी जल्दी आओ बैठो यहां बैठो, पहला लाइव क्लासेस है, पहला पॉइंट इसको लोड भी हो जाएगा, ये लोड हो जाएगा, पहला पॉइंट सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में बेटा रखना, एकदम टाइम पे आ गए टाइम पे, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में वीपी और एचपी, तो या अगर इस पॉइंट को हमको देखना है तो इधर ये जो प्लेन होगा कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, शीशा होना चाहिए, लैमिनेटेड होगा तो दिखाई नहीं देगा। अब दीवार को उस साइड देखना चाहते हो तो दीवार तो लैमिनेटेड है, कहां दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा, और एचपी क्या रहेगा नॉन ट्रांसपेरेंट, यानी वीपी जो होगा वीपी इज ट्रांसपेरेंट, क्या होगा ट्रांसपेरेंट, और एचपी क्या होगा जी, एचपी इज नॉन ट्रांसपेरेंट, क्लियर? पहला पॉइंट एकदम से याद रखना है, वीपी हमेशा क्या होगा ट्रांसपेरेंट और एचपी हमेशा क्या होगा नॉन ट्रांसपेरेंट। दूसरा पॉइंट, इसमें प्लेन जो होता है, ये प्लेन जो होगा, देखिए इधर ये प्लेन जो होगा ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में होगा, एकदम एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से यानी प्रोजेक्शन ऑफ एंगल से आता ही आता है। और ये जो पहला बताए थे कि वहां पर ऑब्जेक्ट होता है प्लेन और ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में, बात समझ में आ रहा है? तो पहला इन दिस केस या इन दिस प्रोजेक्शन, जो भी आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो बेटा, इन दिस प्रोजेक्शन प्लेन इज प्लेस्ड बिटवीन किसका, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, क्लियर? अब यहां पर तीसरा पॉइंट,
तीन पॉइंट इसमें याद रखना है। पहला पॉइंट कि बीपी ट्रांसपेरेंट होता है, दूसरा एचपी क्या होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद इसमें चलेंगे सेकेंड पॉइंट में, तो इन दिस प्रोजेक्शन प्लेन इज प्लेस्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। प्लेन जो होता है हमेशा ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। तीसरा पॉइंट होता है कि इसमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एबव द रेफरेंस लाइन, दोनों एबव द रेफरेंस लाइन या दोनों रेफरेंस लाइन के बने, यानी इन दिस केस फ्रंट व्यू एफ डॉट बी फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू मेक एबव द रेफरेंस लाइन, बिलो में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बोलिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट क्लॉकवाइज विथ 90 डिग्री फॉर द प्रोजेक्शन। जब हम प्रोजेक्शन बनाते हैं तो हम पहले भी बोले थे, मैं पहले भी बोला हूं कि हमेशा वीपी को क्या करना है, पकड़े हुए कान पकड़ के रखना, उसको इधर से इधर घूमने नहीं देना है, और किसको रोटेट करना है, एचपी को कौन वाइज क्लॉक वाइज कितना डिग्री से 90 डिग्री से। तो ये दोनों क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, दिस इज द रेफरेंस लाइन, तो रेफरेंस लाइन से क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें हमारा दो क्वेश्चन बनेंगे, तीन क्वेश्चन भी बना सकते हैं, दो क्वेश्चन भी बनता है। चलो इसको साफ करो, लिखिए, लिखो लिखो फटो, हाँ बताते हैं। आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स सब्सक्राइब चैनल एंड शेयरिंग माय चैनल, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और शेयर करो, जितना शेयर करोगे बेटा उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। देखो एक बार फिर समझ लो, सब लिखते रहो और समझते रहो। कहता सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में वीपी और एचपी का पहले नेचर देखेंगे, क्या देखेंगे, वीपी और एचपी का नेचर देखेंगे। तो वीपी का नेचर देखने के पहले हम यहां पर देखेंगे कि वीपी का नेचर क्या है, तो क्या होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है बिहाइंड द वीपी है, इधर क्या पढ़ेंगे बिहाइंड द वीपी, सामने क्या पढ़ते हैं इन फ्रंट ऑफ, ठीक ना। तो यहां पर ऑब्जेक्ट को या पॉइंट को या किसी चीज को देखने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और ये हमारा क्या होगा नॉन ट्रांसपेरेंट। क्लियर। आप कहता है इन दिस प्रोजेक्शन प्लेन, प्लेन कहां है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में, कहां है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में। पहला क्वेश्चन, पहला से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से और सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन से एक ऑब्जेक्ट भी पूछता ही पूछता है, इसलिए ध्यान रखना, जब भी पूछेगा जो मैं बोल रहा हूं वही चीज पूछेगा, कि इन दिस प्रोजेक्शन प्लेन इज प्लेस्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, तो कहेगा कि कौन प्रोजेक्शन, तो सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, उसको क्या बोलेंगे सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन। कहेगा कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन, तो दिस इज विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, आया समझ में। अब कहता है इन दिस केस फ्रंट व्यू ऊपर बने, क्यों ऊपर है, टॉप व्यू भी क्या नीचे चल जाएगा एक्स वाई लाइन के ऊपर चला जाए। क्लियर, उधर गया बेटा, साफ करें इसको। चलिए अब इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, क्या बनाएंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, ए पॉइंट बी इज 30 mm, ये दिखाई दे रहा है उसमें, दिखाई दे रहा है, 30 mm बिहाइंड द वीपी एंड 40 mm एबव
द एच पी, ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बी। बी का क्या ड्रा करेंगे? प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे। अब देखिए यहां पे कुछ सबसे पहले ड्राफ्ट करें। बिहाइंड कहता है और एवर कहता है। बिहाइंड एवर यानी सेकेंड की प्रोजेक्शन, दिस इज द वीपी और दिस इज द एचपी और दिस इज द रेफरेंस लाइन आरएफ रेफरेंस लाइन। अब कहता पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी यहां से बिहाइंड कितना है? 30 है, यानी यहां से ये डिस्टेंस हमारा कितना है? 30 और एवर कितना है? 40 है। ये हमारा यहां से यहां तक कितना है? 40। अब यहां देखिए जब इसको हम रोटेट करेंगे तो ये दोनों लाइन वीपी और एचपी क्या करेगा? कोइंसाइड कर जाएगा, मिल जाएगा। अब हमको यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, क्या देख रहा है? राइट साइड से हमेशा देखता रहता है, ऑब्जर्वर देखेगा हमेशा राइट साइड। तो इसका प्रोजेक्शन इसमें बनेगा, क्या बनेगा? फ्रंट व्यू। ये क्या देख रहा है? फ्रंट व्यू ना देख रहा है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? बी डैश। बी डैश अब रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है? 40 एमएम, यानी 40 एमएम पर हमारा क्या बन गया? फ्रंट व्यू। अब हम टॉप व्यू यहां से ऊपर से देखेंगे, इसको टॉप व्यू, तो यहां पर क्या बनेगा? बी। अब इसको रोटेट करेंगे तो कितना ऊपर जाएगा? 30 एमएम। यहां कितना है? 30 एमएम। इसको लाइन किसे करना हो गया तो 30 एमएम ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले क्या ड्रा करेंगे? रेफरेंस लाइन एक्स और वाई ड्रा कर लिए, एक्स और वाई। अब यहां से 40 एमएम पर हम क्या बनाएंगे? बी डैश। क्या बनाएंगे? बी डैश। कितना है? 40 एमएम। ये हमारा थोड़ा ऊपर कर लो, अगर दिखने में अच्छा नहीं लगे तो 40। ये हमारा बी डैश। आप लोग वहां पर स्केल से मारिएगा, ठीक ना? 40 एमएम लेकर यही नहीं सर लिख रहे हो, इसी को 40 एमएम पर वहां से स्केल लेना है। अब हमारा ये क्या हो गया? बी डैश फ्रंट व्यू बन गया। अब तो भी इसी लाइन पे बनेगा, क्यों? क्योंकि इसको हमको रोटेट करना है। कितना डिग्री से? 90 डिग्री से। कौन बाइज? क्लोज बाइज। जब भी रोटेट करते हैं तो 90 डिग्री से और क्लोक वाइज। किसको? एचपी को। तो यहां पर सुपर तक कितना चला जाएगा हम? 30 एमएम। 30 ना है, यहां से लेके यहां तक कितना है? 30। तो 30 ऊपर जाएगा, ये हमारा क्या हो गया? बी। यही आप इसको डायमेंशन कर दो। 40 एमएम पर फ्रंट व्यू है ना, फ्रंट व्यू, यही आपका आंसर। कितना लड़का चुका है? तीन को जो देखना चाह रहा हूँ वर्टिकल थोड़ क्यों होता है रेफरेंस हमेशा? अरे ये वाला मिला, ये वाला मिला, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन मिला था, कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन बनेगा। लेकिन इसमें अगर रेफरेंस लाइन इसको अगर मिले तो प्रोफाइल प्लेन से और इसके वर्टिकल प्लेन से, तो रेफरेंस लाइन क्या हो जाता है? वर्टिकल हो जाता है। क्लियर हो गया? ये साफ करें, इसको साफ करें बेटा। आया समझ में? यस कि नहीं? इसमें मतलब जो फ्रंट जो है जो 40 एमएम सर,
अब तो देखो ना बेटा यहां से ऑब्जर्वर इस पॉइंट को देखेगा कि यहां पर बनेगा ना रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है 40 हो गया। अब टॉप भी यहां से इसको टॉप भी देखें तो बी आया, बी यहां से रेफरेंस लाइन से कितना दूरी पर है 30 एमएम, ये ऊपर कितना जाएगा 30 एमएम, तो 30 एमएम किधर जाएगा नाक। अरे कौन साइड तक कर जाएगा बेटा, ये नाक के यहीं तक लगना है कि इसको यहां तक लगने जाएगा उसी सब कौन साइड करता है प्लेन पर ही ले जाओगे इसको, इसको देखो यहां से 90 डिग्री ले जाओगे तो कहीं इधर पार्क कर जाएगा, तो इसी पर कौन साइड कर जाएगा। क्लियर? अब चलिए दूसरा न्यूमेरिकल इसका, दूसरा न्यूमेरिकल ए पॉइंट सी इज रेस्ट इन एच पी एंड 60 mm बिहाइंड द वीपी, ड्रा द प्रोजेक्शन, क्या ड्रा कर रहे हैं प्रोजेक्शन ड्रा कर प्रोजेक्शन बनेगा फट सब बन जाएगा। पहले रफ करो वीपी, दिस इज द एचपी, यहां से कितना पर है 60 एमएम पर, कौन पॉइंट है सी, कितना एमएम 60 एमएम बिहाइंड द वीपी, दिस इज द रेफरेंस लाइन है ना। ऑब्जर्वर कहां रहेगा राइट साइड, इसका देखेगा इस पॉइंट पर देखेगा तो सी डैश यहां पर बनेगा, टॉप भी तो यही बनेगा ठीक है। तो सबसे पहले क्या खींचेंगे रेफरेंस लाइन एक्स और वाई, फ्रंट व्यू कहां बन रहा है रेफरेंस लाइन पे, तो रेफरेंस लाइन के फ्रंट व्यू बना दिए सी डैश, अब ये कितना ऊपर जाएगा 60 एमएम, तो 60 एमएम इसके ऊपर चले जाएगी ये सी, यही आपका आंसर 60 एमएम। आया समझ में? इसमें 60 एमएम ये भी लिया और 60 एमएम ऊपर भी लिया कहां से? अरे कोशिश तो रफ है ना बेटा, ये रफ कर लिए, अब रफ कर देखेंगे इसको, इस पॉइंट को फ्रंट व्यू और टॉप व्यू देखेंगे, तो फ्रंट व्यू एकदम से सामने यानी रेफरेंस लाइन पे बना सी डैश, ऊपर से टॉप व्यू देती इस पे एचपी पे बना टॉप व्यू, अब इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट करके कितना जाएगा 60 एमएम ऊपर, इसके पर माने कौन साइड करेगा 90 डिग्री के ऊपर जाना है मतलब बीच में जाएंगे 60, हां 60 और उसमें भी वैसी किया एक बार 40 निकाल ले और उसको बाद फिर हाँ या या थोड़ा सा दिमाग लगाना थोड़ा सा ही एकदम बहुत आसान है। और इसमें कह देगा कि 70 डिग्री का तो 70 डिग्री का ऊपर चल जाएगा 70 डिग्री कहाँ का है 70 एमएम हाँ तो ऊपर का उधर 70 डिग्री लेजर भी इसी में। अब हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में चलेंगे, किसमें चलेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इससे पॉलिटेक्निक में एक क्वेश्चन आता ही आता है आपका, इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है 6 नंबर का। देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या करेंगे हम लोग, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एंगल प्रोजेक्शन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, यानी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का मतलब क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा एचपी और नीचे क्या हो जाएगा हमारा बी, क्या होगा एचपी और बी। अब देखिए अगर कोई पॉइंट यहां पर है या ऑब्जेक्ट है, क्लियर, ऑब्जर्वर कहां रहेगा हमेशा राइट साइड, हमेशा राइट साइड ऑब्जर्वर रहेगा। अब देखिए यहां से अगर इसको फ्रंट व्यू देखेगा, फ्रंट व्यू देखेगा ऊपर से क्या देखेगा टॉप व्यू देखेगा, क्लियर। अब ये दोनों प्लेन का नेचर पहले पता करना है, तो प्लेन का नेचर क्या होगा, दोनों क्या होगा ट्रांसपेरेंट
इसको देखने के लिए हमको ये क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, नहीं ट्रांसपेरेंट तब आइए ना प्रोजेक्शन लेने, और दिखाइए नहीं देगा तो कहां से प्रोजेक्शन लेने। तो पहला नेचर किसका, एचपी एंड वीपी दोनों क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। एचपी एंड वीपी बोथ आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, क्लियर। अब दूसरा हम पढ़ेंगे, इसमें प्लेन भी किसमें होगा, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में होगा। ऑब्जेक्ट प्लेन प्लेस्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, क्लियर। अब इसमें अब प्रोजेक्शन कैसा बनेगा, थर्ड पॉइंट, कौन पॉइंट, थर्ड पॉइंट कहता है टॉप व्यू इसमें रेफरेंस लाइन के ऊपर और फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे, यानी टॉप व्यू मेक एवं द एक्स बाई लाइन, एक्स बाई लाइन के ऊपर एंड फ्रंट व्यू में बिलो बिलो द एक्स बाई लाइन, क्यों, क्योंकि वो क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या रोटेट करेगा, क्लॉक वाइज 90 डिग्री से, यानी यहां से रोटेट करके यहां पर देखिए हो जाएगा, तो ऊपर बनेगा हमारा क्या बनेगा, टॉप व्यू, और नीचे बनेगा हमारा फ्रंट व्यू। ये जो होता है ए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जस्ट अपोजिट टू द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। चौथा पॉइंट याद रखना बेटा, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जस्ट अपोजिट टू द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, कहां पे, हाँ थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जस्ट अपोजिट टू द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अब कैसे कैसे अंतर होता है ये भी देख लेना है। एचपी फर्स्ट एंगल सुन लीजिए, फर्स्ट लिखते चलिए सुनते चलिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एचपी और बीपी क्या होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट, यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। बात समझ में आई, वहां पर ऑब्जेक्ट जो होता है ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में होता है, यहां ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के बीच, प्लेन यहां ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच, यानी यहां पर ये भी कह सकते हैं कि सेकेंड एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो प्लेन होता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में, क्लियर। यही चार पॉइंट हमको याद रखना है, किसमें, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। अब इसमें हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, साफ करो इसको, लिखा गया बेटा, अब आइए क्वेश्चन, ए पॉइंट टी 40 mm बिलो द एचपी एंड 60 mm बिहाइंड द वीपी, ड्रा द प्रोजेक्शन,
ड्रा द प्रोजेक्शन। क्या करेंगे? ड्रा द प्रोजेक्शन। अब एक चीज ध्यान रखना है कि बिहाइंड और बिलो तो हम लोग समझेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, बिहाइंड और एभव तो कौन समझेंगे? सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन। एकदम से इतना दिमाग में रखना है, थोड़ा सा हम उसको बता देंगे अगले किसी क्लास में बताते हैं। अब इसको हम ड्रा करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया एचपी, यहां से ड्रा करिए नीचे क्या हो जाएगा वीपी। कितना एमएम बिलो है? 3 पॉइंट जो है 40 एमएम यहां से क्या है बिलो है 40 एमएम, और यहां से ये कितना एमएम बिहाइंड है 60 एमएम। अब देखो ऑब्जर्वर यहां रहेगा बेटा, कहां पर रहेगा बाबू? ऑब्जर्वर हमेशा राइट साइड। अब यहां से इस टी का क्या देखेगा ये फ्रंट व्यू, तो यहां पर क्या बनेगा टी डैश। ऊपर से देखेगा इसको क्या देखेगा टॉप व्यू, तो यहां पर क्या बनेगा टी। अब किसको रोटेट करना है एचपी को, तो टी कितना रोटेट करके ऊपर जाएगा 60 में रोटेट करेगा, तो सबसे पहले क्या बनेगा रेफरेंस लाइन बनाएंगे। ऊपर कितना जाएंगे हम लोग 60, क्या बनेगा ये टी टॉप व्यू, ये हमारा टॉप व्यू बना 60 एमएम ऊपर, और नीचे हमारा क्या बनेगा कितना 40 एमएम नीचे, ये हमारा क्या बनेगा टी डैश। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया समझ में? समझ में आ रहा छोटे तुमको? यस सर। इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। आज सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन में चल रहे किसका, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, फिर इसका मिक्सिंग ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे अगले क्लास में? मिक्सिंग न्यूमेरिकल करेंगे, मिक्स न्यूमेरिकल। साफ करो इसको, साफ करें छोटू, साफ करते। अब आइए फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन हेडिंग बना देंगे, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। तो यहां देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा एचपी, ये हमारा क्या हो जाएगा वीपी। अब यहां पे देखिए इसमें हम नेचर ऑफ एचपी और नेचर ऑफ वीपी देखें, तो इसका जो है एचपी क्या होगा ट्रांसपेरेंट होगा, अब वीपी क्या होगा नॉन ट्रांसपेरेंट, यानी जस्ट अपोजिट टू सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन। वहां पर सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में वीपी ट्रांसपेरेंट हो जाता था और एचपी, यहां पर क्या हो रहा है एचपी ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है वीपी ट्रांसपेरेंट, यानी जस्ट अपोजिट टू। तो यहां पर क्या होगा पहला नंबर एचपी क्या होगा ट्रांसपेरेंट, एचपी ट्रांसपेरेंट होगा, वीपी नॉन ट्रांसपेरेंट होगा। क्लियर? सेकेंड ऑब्जेक्ट होगा जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑब्जर्वर एंड किसका प्लेन, चौथा तीसरा नंबर
ये दोनों जो होगा फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहां पर बनेगा? बिलो द रेफरेंस लाइन, क्योंकि बीपी कांस्टेंट इसको रोटेट करेंगे। तो टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू मेक बिलो द एक्स वाई लाइन। चौथा पॉइंट, इट इज जस्ट अपोजिट टू सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन। किसका होगा? सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन का अपोजिट होगा। सेकेंड एंगल का क्या होगा? अपोजिट होगा। यानी उसमें क्या होता था? फ्रंट व्यू टॉप व्यू ऊपर बनता था रेफरेंस लाइन का, यहां पर क्या हो रहा है? टॉप व्यू फ्रंट व्यू नीचे बन रहा है। साफ करो इसको, कर दे बेटा। अब न्यूमेरिकल पर क्वेश्चन, ए पॉइंट बी इज 40 mm बिलो द एचपी एंड 55 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। Draw the projection of A of point D. D का projection निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? Horizontal plane और vertical plane का rough कर लेंगे। Fourth angle का है ना? बनाने का सही तरीका, पहले रफ कर लो उसके बाद फट सर निकाल दो। रफ कर लोगे तो आप भूलोगे नहीं। कहता है 40 एमएम बिलो द एचपी, यानी यहां से कोई पॉइंट है 40 एमएम नीचे है। कौन पॉइंट है? डी पॉइंट। और यहां से 55 एमएम कितना है? इन फ्रंट ऑफ वीपी है 55 एमएम। ऑब्जर्वर यहां रहेगा, देखेगा सामने, क्या देखेगा? फ्रंट व्यू। कहां पर बनेगा? डी डैस बनेगा जी। टॉप व्यू यहां पर बनेगा, ऊपर से देखेगा तो ये ऑब्जर्वर खड़ा कैसे करके देखेगा ना इसको, तो टॉप व्यू ऊपर बनेगा। अब क्या करना है? रोटेट किसको करेंगे? एचपी को, तो दोनों नीचे आ जाएगा। तो फ्रंट व्यू कितना पर बन रहा है? सबसे पहले रेफरेंस लाइन एक्स और वाई कितना पर बन रहा है? फ्रंट व्यू 40 सेमी नीचे ना रे, इससे कितना 40 सेमी ऊपर ना, तो 40 सेमी नीचे आएगी। ये हमारा क्या हो गया? डी डैस कितना? 40 एमएम नीचे। क्या बेटा सही है ना? 40 एमएम डायमेंशन में डी। अब ये टॉप व्यू कितना नीचे जाएगा? 55 एमएम, तो इसी के आगे बढ़ जाइए, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? डी, यहां से कितना हो गया? 55। यही आपका आंसर। ये आपका टोटल हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ एंगल हम लोग फिनिश कर दिए। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? इसका मिक्स्ड न्यूमेरिकल फर्स्ट एंगल में भी रहे, थर्ड एंगल में रहा, चाहे फोर्थ एंगल जिसमें रहेगा, सबको मिला के हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। बाकी एनडी भट्ट अगर बुक किसी के पास है तो उसका एक्सरसाइज बनाइए, उसका एक्सरसाइज बना के लाइए, हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए भाई।
कहाँ से बंद होगा बेटा? यहाँ से कट होगा लाइन, यहाँ से रुकिए सर। अच्छा एक मिनट में आप इसको उतार देते चश्मा पे। आर यू श्योर दैट यू वांट टू स्टॉप स्ट्रीम? ओके।